जो प्रधानमंत्री है राज्यपाल जी को आप रावण कह रहे हैं, आपकी पार्टी कैडर में स्मार्ट है, निश्चित रूप से कल के भाषण में मैंने ये बात कही है। मैंने ये बात कहने के पहले जो कही थी, मैंने ये कहा था कि हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। हमने या मेरे किसी भी नेता ने आज तक देश के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री या इस स्तर पर बैठे हुए नेता को कभी भी इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, तो बहुत दूर की बात है, छोटे कार्यकर्ता ने भी नहीं कही। हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रति, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रति, मनमोहन सिंह जी के प्रति, अन्य किसी भी देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की टिप्पणी और बात नहीं कही। लेकिन महत्वपूर्ण उस समय था कि आप विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर देश की अस्मिता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस देश की एक बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों को खड़ा कर करके, लोगों को खड़ा कर करके ये बात के नारे लगवा रहा है कि देश का प्रधान चोर है। आपके देश का, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता देश के प्रधानमंत्री को नीच कह जाता है, आपके एक बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहते हैं। प्रियंका वाड्रा जी आई और उन्होंने बेबुनियाद बात पर देश के प्रधानमंत्री को ये कहा कि मोदी दुर्योधन है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या उन्होंने किसी का चीरहरण किया है, और कितनी भयावह बात है ये। आप अभिव्यक्ति के नाम पर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कल मैंने सबका सम्मान करते हुए कहा कि अगर किसी ने इस बात को कहा है कि वो दुर्योधन है, तो हाँ मैं ये कहता हूँ कि आपके पूर्वज भी रावण थे, और निश्चित रूप से, और ये मेरी अभिव्यक्ति, और ये हमने उनसे ही सीखा है, इसके पहले कभी इस तरह की बात नहीं है। आप बताइए, मुद्दों की लड़ाई पर आपको लड़ाई लड़ना चाहिए। लोकसभा का चुनाव आप इस स्तर पर गिर करके लड़ेंगे, और क्या हम लोग सुनते जाएंगे, आपकी बदतमीजियाँ सहन करते जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी अपनी जगह पर बंधे होंगे, अमित शाह जी अपनी जगह पर बंधे होंगे, अन्य और नेता बंधे होंगे, लेकिन मैं इस देश का नागरिक होने के नाते भी मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई इतने निचले स्तर की बात जाकर के कहेगा, तो हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। इस देश ने आपको भोगा है, आपके परिवार को भोगा है। 1984 का वो दंगा हम भूल नहीं सकते, जिस तरह का कत्लेआम आपकी पार्टी ने और आपके पितामहों ने किया है। चरा जरा सी बात पर इन्हीं राजीव गांधी जी का एक बयान था कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो देश की धरती हिल गई थी। जब एक बड़ा बरगद का पेड़ गिरता है, तो देश की धरती पर कंपन्नता होती है, और आपने कत्लेआम कर दिया, लाखों नौजवानों को बेघर कर दिया, कई लोगों को मार दिया, और आपको जरा सी धरती हिलना दिखती है। आप देश के प्रधानमंत्री को दुर्योधन अगर कहते हैं, तो हाँ मैं भी आपके पिता को रावण कहूंगा, और आपसे जो बने वो कर ले। तो आप अड़ेगी अपने मैं 100% अड़े, क्यों नहीं हुआ? वो अगर अड़ी है, अगर वो दुर्योधन बोल सकती है मेरे देश के प्रधानमंत्री को, तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं वो बोलूंगा? निश्चित रूप से बोलूंगा। और आप देश का चौकीदार चोर है, चिल्लाते रहते हैं किस बात पर चोर है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट उनको दी है, उनकी पूरी टीम को दी है। आपके पिता पर तो इतने साल तक बोझसरी का कांड चला, पूरी की पूरी आपकी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रही। चाहे जो जुमलेबाजी, चाहे जो बयानबाजी, कोई देश के चौकीदार को चोर बोल रहा है, कोई दुर्योधन बोल रहा है, कोई नीच बोल रहा है, कोई मौत का सौदागर बोल रहा है, ये सहन तो नहीं होगा बाप। अभी 13 तारीख को प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही है रोड शो करेंगे। देखिए, ये हम क्यों विरोध करें? हम तो कभी किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन आप देखिए विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर देश की राजनीति और देश की विचारधारा कितनी गर्द तक गिरी हुई है। आज कल एक जरा से मेरे स्टेटमेंट पर इतनी बड़ी बात हो गई, हम लोगों का क्या इस देश को ये समझ में नहीं आता कि देश का चौकीदार चोर है, ये नारा क्या लगवाना चाहिए? आप जाकर के, आप कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते, आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं, आप कभी चाइना के खिलाफ जाकर के नहीं बोलते। आपको भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों के साथ में आप जाकर के खड़े होते हैं। और वो देश का प्रधान जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया, पूरे समय देश की चिंता करता है, अगर आप उसको दुर्योधन कहेंगे, तो हाँ आपके पूर्वज रावण थे, रावण है और रावण ही रहेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.